नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रूपक की रसोई में। आज हमने तैयार करा बिना बेक केक। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। दो ओरियो बिस्किट के हमने पैकेट लिए जो 30 रुपये का एक आता है। अब हम इस बिस्किट के बीच का ही पार्ट अलग कर लेंगे सारे बिस्किट से, इस तरह से हम इसे साइड में कर लेंगे। सारे बिस्किट्स की हमने क्रीम निकाल दी और हम इनके पीस कर देंगे। एक बिस्किट के 3 से 4 इस तरह से हम टुकड़े कर देंगे सारे बिस्किट्स के। बिस्किट को हमने चूरा कर लिया, हाथ से मिक्सी से नहीं करना हमें, इस तरह से हल्का खड़ा खड़ा सा रखना है बिस्किट के टुकड़ों को। देखिए, एक पैन में हमने 2 कप दूध लिया है और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फुल क्रीम हमने दूध दिया है, दूध में हम डाल रहे हैं 1/4 कप चीनी, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। चीनी मेल्ट होने के बाद हम 2 चम्मच डाल रहे हैं चावल का आटा इसमें, इसे लगातार हिलाते रहेंगे। एक मिनट तक मैंने चावल के आटे को उबाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, गैस की फ्लेम को हमने एकदम कम रखा है और इसे हम लगातार हिला रहे हैं। 1 पिंच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, चम्मच हम इसमें डालें कोको पाउडर। ये देखिए, फ्लेम को स्लो रखते हुए इसे लगातार हमें हिलाना है। अच्छा सा गाढ़ा होने लगा है। कोको पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। 1/2 कप हम इसमें दूध डालेंगे जो कि पहले से गर्म करके मैंने रखा है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाफ कप लिए हमने डार्क चॉकलेट, इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए हमें लगातार इसे हिलाना है। हाफ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। तेरे पक चुका है चावल का आटा कॉर्नफ्लोर, ये देखिए इसमें चिपकने लगा है, मतलब ये अच्छी तरह पक चुका है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया और 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं बटर, बटर के साथ भी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स करेंगे और 1 कप हम बचा लेंगे इसमें से। देखिए सिर्फ 1 कप हम बचाएंगे, बाकी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे बिस्किट के साथ। इसे मोल्ड में सेट कर देंगे हम। देखिए हमने इसे सेट कर दिया, जो 1/2 कप हमने बचाया है चॉकलेट का हमारा, उसे भी इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह हम सेट कर रहे हैं।
दोस्तों, ये हमारा विदाउट बेक चॉकलेट केक तैयार हो रहा है। इसमें आपको बेकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह एक दो बार चेक करेंगे। 5 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे अच्छी तरह सेट होने के लिए। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और केक भी हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसका बटर पेपर निकाल लेंगे, हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है। अब जो बिस्किट से हमने क्रीम निकाली थी उसे इस तरह से लगा देंगे बिना बेक। अब इस पे हमने चॉप करके डार्क चॉकलेट रखी है उसे भी डाल देंगे। चॉप चॉकलेट को भी हम इस पे डाल देंगे इस तरह से। दोस्तों, हमारा केक तैयार हो चुका है जो कि हमने बिना बेक के केक तैयार करा है और सिंपल रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए।